हेलो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया हुआ था कि मैं आज नाश्ते में ये बनाने मतलब उत्पमा बनाऊंगी, तो ये देखिए मैंने ये थोड़ा सा 2 चम्मच यानी कि इतना ये चम्मच ये मैदा है इसमें। ये अब हम इसमें इतना ही बेसन में डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए 2 चम्मच बेसन डाला मैंने। ये कुछ मैंने सब्जियाँ ली हुई हैं। सब्जियाँ क्या है, टमाटर है, ये धनिया है, हरा धनिया, ये देखिए हरा धनिया है। इसके नीचे ये रहा प्याज, ये देखिए काफ़ी है नीचे, प्याज की मात्रा अधिक रहनी चाहिए इसमें। और ये खीरा मैंने लिया हुआ है, हरी मिर्च भी है इसमें, सब एक साथ मैंने काट दी हुई थी। ये देखिए ये हरी मिर्च भी है इधर, ये देखिए, और ये टमाटर भी है। तो कुछ तो इसका मैं आमलेट बनाऊंगी, मतलब इसमें से डाल के कुछ इसका उत्पमा बनाऊंगी। तो आप लोग हमारी वीडियो में देखिए, बने रहिएगा। जो हमारे चैनल पे नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारी वीडियो में आप लोग बने रहिए, देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। इसके बाद ये देखिए बेकिंग सोडा है, तो इसमें आधा चम्मच हम बेकिंग सोडा डालेंगे ताकि सॉफ्ट बने। तो मैं दिखाती हूँ, पहले इतना मैंने ये डाला हुआ है। मैं इसका पहले तो आमलेट बनाऊँगी इन दोनों का मिक्स करके। इसके बाद मैं थोड़ी सी पीछे से सूजी डालूँगी, सूजी भी डाल के इसका जब मैं उत्पमा बनाऊँगी। तो थोड़ा सा बच्चे बोल रहे हैं आमलेट बना दीजिए, तो मैं इसका आमलेट बनाऊँगी। तो आप लोग देखिए आमलेट कैसे बनता है, और आप लोग बताइएगा हमारा आमलेट कैसा लगा। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा। बच्चों को बाहर का नहीं खाने दे रही हूँ, अब मैं घर पे ही सारी चीज़ें बना रही हूँ। जो बच्चे बोलते हैं तो बनाना पड़ता है, क्योंकि बाहर का खाना बेकार है भाई, कोरोना बहुत चल रहा हुआ है इसलिए। तो चलिए बनाती हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारा जो आमलेट है ना, आमलेट बनकर रेडी हो चुका है। और ये मैंने चटनी बनाई हुई है, और एक थाली में ये मैंने तोड़ के रखा हुआ है, ये भी देखिए आप। तो 2 थाली हमने लगा दी हुई हैं, तो इसका तोड़ दिया मैंने, तोड़ कर देखा था कैसा बना, तो बहुत सॉफ्ट है, मतलब तोड़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमने साबुत मतलब रखा हुआ है, तोड़ा नहीं मैंने इसको, ऐसे फोल्ड कर दिया। तो ये बताना आप लोग आमलेट कैसा बना हमारा। और अब मैं बना रही हूँ, देखिए ये मैंने इसका घोल रेडी कर लिया हुआ था। थोड़ी देर हम घोल बना के ना, हम लगभग आधा घंटा रख देना चाहिए, आधा या 15-20 मिनट रख दो लगभग। और इसको खूब मतलब गुठली ना पड़ पाए, इतना फेंटना चाहिए इसको। तो देखिए गाइस, अब मैं बस इसको हम छुएंगे नहीं बिल्कुल, जैसे कि आमलेट बनता है ना उसी तरह से, ना हम इसको गोल करेंगे ना कुछ, बस अपने आप ही इसको हम पकने देंगे, मतलब सिकने देंगे। तो जब ये सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे, और इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल हल्का हल्का दूर दूर से हम लगा देंगे। और ये देखिए इसमें कुछ जैसे आपको गुब्बारे की तरह बबल दिखेंगे इसमें, देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये दिख रहा है, ये देखिए। अभी मैं इसको देख रही हूँ, अभी अभी थोड़ा सा बाकी है। तो मैं इसको जैसे कि आमलेट का आता है ना,
जो आमलेट है ना बिल्कुल गोल नहीं बनता है, तो मतलब फूल जाता है, बड़े अच्छा लगता है, गोल गोल उसमें बन जाते हैं। और ये देखिए फूल हो चुका है, अब मैं इसको छुड़ाऊंगी क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरे को पकड़े हुए हूँ तो मेरे से अभी नहीं हो रहा इतना। तो मैं जब इसको पलटूंगी तो ये आप देखिए और हमारे ये बताइए आमलेट कैसे बने हुए हैं। और चलिए आप भी खाइए आके हमारी थाली में। फाइनली फ्रेंड्स, हमारे उपमा भी बन गया हुआ है। तो ये देखिए, ये खीरा वगैरह, टमाटर वगैरह ये सब दिख रहे हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बना हुआ है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। यानी कि देखो, मैं खा के भी आप लोगों को दिखा रही हूँ, आप भी आइए और खाइए आके, बहुत ही टेस्टी है। ये भी आप बच्चों को या अपने आप को बनाते, ये सब चीज़ें सब्जी वगैरह डाल के, खीरा भी है आपको, टमाटर है, और मतलब कुछ जो सब्जी आपको अच्छी लगे, शिमला मिर्च है, ये सब डाल के बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी है शरीर के लिए हमारे भी। तो मैं यही बनाया हुआ है, मतलब 3 बजे मैंने चालू किया हुआ था, 3 बजे मैंने बनाया, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। तो फिर आप लोग बताना कि हमारा ये कैसा बना है। तो देखिए, चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। मैंने हरी धनिया, टमाटर, अदरक, लहसुन, जीरा, हल्का सा, ये सब डाल के चटनी बनाई हुई थी इसकी। तो ये चटनी के साथ खाने ना बहुत ही यम्मी लगता है, बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, फिर कल फिर मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिएगा, कोरोना बहुत हो रहा है, सावधान रहिएगा और सभी का ख्याल रखिएगा। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।